हेलो फ्रेंड्स, आज हम अरंडी के पेड़ के पास खड़े हैं। आज हम इस पेड़ के फायदों के बारे में आपको बताएंगे कि ये पेड़ हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है। अगर आपको अंदरूनी चोट लग गई है तो इस पत्ते को लें और इसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी का लेप लगा लें और उस स्थान पर बांधें जहां आपको अंदरूनी चोट लगी है, तो आपको दर्द में आराम मिलेगा। अगर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है तो भी इस पत्ते को लें और थोड़ा गर्म करके अगर आप पेट पर बांधते हैं तो आपको आराम मिलेगा दर्द में। अगर एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द है तो भी आप इस पत्ते को लें और थोड़ा सा गर्म कर लें और एड़ी पर बांधें तो आपको दर्द में बहुत लाभ होगा। अगर कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो हल्के हाथ से अगर आप अरंडी के तेल से कमर की मालिश करते हैं तो भी आराम मिलेगा, नहीं तो इस पत्ते को लेकर थोड़ा गर्म करें और कमर पर बांधें तो आपको लाभ होगा। अगर दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है तो अरंडी के तेल में थोड़ा सा कपूर मिला लें और उससे अगर आप कुल्ला करते हैं तो दांत दर्द में लाभ होता है। अगर गैस्ट्रिक ट्रबल की वजह से आपको सर में दर्द रहता है तो आप अरंडी के तेल से हल्के हाथ से अगर सर की मालिश करते हैं तो आपको लाभ होगा। अगर हाथ, पैर और होंठ सर्दियों में आपके फट जाते हैं तो अरंडी के तेल को थोड़ा सा गर्म करके अगर आप अपने हाथ, पैर और होंठों पे लगाते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। अगर आपको रतौंधी की प्रॉब्लम है तो इन पत्तों का रस निकाल लें और इस रस को अगर आप नियमित रूप से सुबह शाम पीते हैं तो आपको इस प्रॉब्लम में भी लाभ होगा। अगर आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम है, अनिद्रा की प्रॉब्लम है, तो भी अगर आप पांव के तलवों में रात को सोने से पहले अरंडी के तेल को लगाकर सोते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। ये थे इस पेड़ के फायदे जो अभी अभी हमने आपको बताए। हम चाहते हैं आप भी इस पेड़ का पूरा पूरा लाभ लें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।